पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद सदर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए ठाकुर मनीष सिंह का एक बार फिर से प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित होना सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि ठाकुर मनीष सिंह के अलावा किसी भी दूसरे सदस्य द्वारा पर्चा ही दाखिल नहीं किया गया है, जिसके चलते ठाकुर मनीष सिंह की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। पर्चा दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत जब ठाकुर मनीष सिंह ब्लॉक सभागार से बाहर निकले, वैसे ही उनके समर्थकों द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। अपने समर्थकों द्वारा की गई हौसला अफजाई पर ठाकुर मनीष सिंह भी गदगद दिखाई दिए। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त किया। ब्लॉक का आज नॉमिनेशन था ब्लॉक प्रमुख पद के लिए, और उसी के लिए जो है उसी का नॉमिनेशन करा के लिया है। क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? बस अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, प्रेजेंट क्या होता है, चुनाव की तैयारी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी द्वारा सभी विजेताओं को मुबारकबाद दी गई और सभी बीटीसी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा कहा गया कि भाजपा की नीतियां और योगी जी का नेतृत्व प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं और उनका काम आरोप लगाना ही है, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम इतना जानते हैं कि भाजपा को जनता चाहती है, वोट दे रही है और विजय दिला रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के विकास को प्राथमिकता के साथ काम करने का कार्य कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी लंबे समय तक अपने संगठनात्मक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के साथ तैयारी की है, और आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने जो 4.5 साल में काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी का परिणाम है कि हम प्रत्यक्ष चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली, और अब इनडायरेक्ट चुनाव हुए हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, उसमें अधिकांश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घोषित लोग चुनाव जीते हैं। अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, सभी क्षेत्र पंचायतों में आज नामांकन हुए हैं, और उसमें भी नामांकन में भी अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग निर्विरोध क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं इस प्रदेश की महान जनता का जो उन्होंने निर्णय किया है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में विश्वास किया, उसका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो विपक्ष है लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि नामांकन ही नहीं करने दिया गया या किसी का आरोप लगा, उनके पास नंबर ही नहीं है नामांकन करने को, कोई किसी को कोई बाधित नहीं कर रहे। अब समय के बाद पहुंचेंगे, संख्या नहीं है, हंगामा करेंगे, तो ये उन्होंने एक ट्रेंड बना रखा है जो पूर्व में वो लोग करते रहे हैं ना, जिस तरह की अराजकता, धांधली, बेईमानी और लोगों को धमकाना, डरा कर के लोग निर्वाचित कराना, ये काम वो करते रहे, तो उन्हें ये अभ्यास है। लेकिन इस बार जनता ने पूरी सजगता के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी है, और उसी का ये परिणाम है कि आज अधिकांश जगहों पर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ग्राम सभाओं के प्रधान सदस्य, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायतों के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए हैं। ये जनता का माने योगी जी के प्रति जो उनके नेतृत्व के प्रति विश्वास है, उसी का परिणाम। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, उसको लेकर क्या मानते हैं, क्या कहें कि क्यों ऐसा? कोई घटना नहीं है, वो जबरदस्ती आडंबर खड़ा कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं, एक भी सदस्य ने, एक भी किसी कैंडिडेट ने निश्चित समय सीमा के, निश्चित समय अवधि के, अगर ये कहा हो कहीं जाके कि साहब हमें नामांकन करने से वो नामांकन स्थल पर रोका गया, कोई 3 बजे पहुंच रहा है, कोई 2:30 बजे पहुंच रहा है, कोई 4 बजे पहुंच रहा है, ये सब एक प्रोपगंडा है, और वो अपनी हार मान चुके हैं और हार को स्वीकार करके वो इन सब ड्रामे को अंजाम दे रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।